यूसीसी में कुछ सवाल भी हैं, वो भी दिखाने बहुत जरूरी है। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली। अब यहां पर जो सवाल यहां पर फिजाओं में इस वक्त देश में सामने आ गए यूसीसी को लेकर, वो भी तो देखने जरूरी है। यूसीसी मुस्लिम पुरुष के खिलाफ या मुस्लिम महिला के पक्ष में, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस्लाम खतरे में कैसे आ जाएगा, यह सवाल है। तीसरा सवाल, देश में कानून निर्माण के विरोध की अपील को क्या सही माना जाए, कैसे सही माना जाए। यूसीसी से वक्फ संपत्ति पर कब्जे की राजनीति को नुकसान होगा क्या, यह भी एक बड़ा मैटर है। और यूसीसी मुस्लिम महिला के संपत्ति के अधिकार के खिलाफ कैसे है। यूसीसी से आदिवासी अल्पसंख्यक औरत बाहर होंगे तो कानून किसके लिए होगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं जल्दी से यहां पर आपसे, अच्छा देखिए, रशीद फिरंगी मेहली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे बात करते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है। मेरे साथ इस वक्त खालिद रशीद फिरंगी मेहली साहब हैं। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, इस्लामिक धर्मगुरु हैं। फिरंगी मेहली साहब, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मेहली साहब, इस देश में इस वक्त यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी लाने का विरोध कर रहा है। आपने एक प्रेस रिलीज जारी करके उसमें कई कारण भी गिनाए हैं, मैं उन पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विरोध क्यों कर रहे हैं आप, या बतौर मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव आप मुस्लिम समाज से ये क्यों कह रहे हैं कि पूरा समाज इसका विरोध करे। जी जी, ये देखिए, आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के आईन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कि आर्टिकल 32 में हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने, उसको इख्तियार करने और उसकी तबलीग करने का कानूनी हक फराहम किया है। और इस आर्टिकल में बहुत साफ अल्फाज में बात कही गई है कि ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोकेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो जाहिर सी बात है, मुसलमान भी इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी है, उसको भी ये कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हक हासिल है कि वो अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करे। और अपने यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉज जो हैं वो इस्लामी शरीयत का एक अटूट हिस्सा हैं, जिसकी की बुनियाद और जिसकी की बेसिस कुरान और हदीस है। लिहाजा कोई भी मुसलमान, किसी भी मुसलमान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसको अपने कुरान और हदीस पर अमल करने से रोका जाए। ना कानून इसकी इजाज़त देता है और ज़ाहिर सी बात है ना मज़हब। तो हम लोगों की सिर्फ ये अपील है कि बरसों से जो एक तरीक़ा चला आ रहा है, तमाम कम्युनिटीज़ को जो आज़ादी चली आ रही, जो मज़हबी आज़ादी दी गई है, और इस रिलीजियस फ्रीडम को एक फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ही ने करार दिया है, वो किसी से भी ना छीना जाए। और इस बात को भी सबको जहनों में रखना है कि मुस्लिम की पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों ही के नहीं हैं, बहुत सी कम्युनिटीज़ के हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में उस पर अमल करते हैं। और पिछले 70 सालों में इस पर जब अमल करने में मुल्क का कोई नुकसान या कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं हुआ, तो अब जाहिर सी बात है इस को ख़त्म करके या यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके मुल्क का बाय एंड लार्ज कौन सा बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, जबकि लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो, लोग नहीं, उससे नहीं, लेकिन मेहली साहब इसलिए हम, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। मेहली साहब, आपने कहा कि केवल मुस्लिमों के पर्सनल लॉ नहीं है, दूसरे धर्मों के भी पर्सनल लॉ हैं। जाहिर सी बात है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो लॉ भी उसमें समाहित किए जाएंगे, तो केवल मुस्लिमों के पर्सनल लॉ तो नहीं जाएंगे, लेकिन जितना विरोध मुस्लिम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, उतना बाकी समुदाय नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या लगता है कि मुस्लिमों को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों हो जाएगा? नहीं देखिए, सिर्फ मैंने जो बात अर्ज की कि सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, आपने देखा होगा कि पंजाब में सिखों ने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और इससे बार बार ये बात कही जा रही है कि ट्राइबल्स भी ज़ाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट हैं। फिर अगर आप देखें तो चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे पारसी कम्युनिटी हो, सबके अपने पर्सनल लॉज हैं, सब अपने तौर पर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसकी मुखालफत की है, जो फिर मुसलमान इस मुल्क का ही सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी या लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, उसकी भी बात की कोई हैसियत है कि नहीं हैसियत है थी। और आपको मालूम आप है जो कह रहे हैं ये सराउंडिंग्स हैं, यूसीसी की कोई जरूरत नहीं, जो आप कह रहे हैं ये सराउंडिंग्स हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो कोर है। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते हैं, तो मुस्लिमों का सवाल आपसे पूछा जाएगा।
देखिए सबसे बड़ी सवाल यही है कि सबसे बड़ा सवाल यही है। अच्छा अभी हमारे साथ चले गए फरशीद फिरंगी मैली साहब, फिर भी बहुत शुक्रिया आपका फिरंगी मैली साहब हमसे बात करने के लिए।